तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस पावर क्वेरी के ट्यूटोरियल में, जिसके अंदर हम टेक्स्ट फंक्शंस को देख रहे हैं। पावर क्वेरी, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही स्ट्रांग टूल है और वो ETL जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो ETL बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, और उसके तहत जो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग ऑफ डेटा होता है, वो सारा का सारा इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, और उसी को हम धीरे धीरे देखेंगे और ग्रेजुअली आप समझेंगे, इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ को सीखेंगे। तो जैसा कि हम टेक्स्ट फंक्शंस पे बात कर रहे थे कि हम लोग जानते हैं एक्सेल के अंदर भी हम लोगों को जैसे ट्रिम फंक्शन है, और ट्रिम फंक्शन के द्वारा हम अनवांटेड स्पेसेस को हटा देते हैं, राइट। अब पावर क्वेरी के अंदर भी वो फंक्शनैलिटी है, किस तरीके से वो काम करती है वो देखेंगे। पहले हम देखें इसके कर्सर को अपने डेटा में रखना है हमको, पहला काम, राइट। और पावर क्वेरी को एक्टिवेट करने के लिए डेटा के अंदर हम जाएंगे, और ये देखिए पावर क्वेरी यहाँ पर है। इस टेबल को हमें पहले पावर क्वेरी में लोड करना पड़ेगा। लोड करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हैं डेटा लेने के लिए, लेकिन अगर आपका एक्सेल में ये डेटा है तो फ्रॉम टेबल रेंज को आप क्लिक करते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, वो पहला स्टेप क्या करता है, उस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करता है, प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए उसने रेंज सेलेक्ट कर लिया है, कह रहा है कि ये डेटा है आपकी टेबल के लिए, और फिर वो पूछ रहा है कि माई टेबल हैज़ गॉट हेडर्स, क्या आपकी टेबल के पहले रो में हेडर्स हैं, ये पूछ रहा है वो। तो मैं बोलूँगा जी हाँ है मेरे पास हेडर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी लिखा हुआ है, हेडर डाले हुए हैं। एंड देन आई विल से ओके, बहुत सिंपल तरीके से ओके बोला हमने। ओके बोलने के साथ ही ये डेटा मेरा जाके पावर क्वेरी पे लोड हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसने अपने आप इसका नाम दे दिया टेबल फोर। हमें इसका नाम कुछ अच्छा नाम दे देना चाहिए इस क्वेरी का, ताकि हमें याद रहे। तो मैं इसमें इसका नाम ट्रिम लिख देता हूँ, ताकि मुझे याद रहेगा कि ट्रिम की फंक्शनैलिटीज इसमें हमने करी थी। उसके बाद देखिए कि हमें ये सारे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये टाइपिंग के वक्त इसमें बहुत सारे एरर्स आ गए हैं, तो हम पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपको ऊपर क्लिक करते जाना। ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया आपका, ये सिलेक्शन हो गया आपका। अब बहुत आसान तरीके से आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करिए। ट्रांसफॉर्म पे आपने क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट के अंदर आपके लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ट्रिम, क्लीन, ये सारे चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब मैं इसमें ट्रिम को का बटन प्रेस करूँगा, और जैसे ही मैं ट्रिम का बटन प्रेस करूँगा, सारी स्पेसेस देखिए ख़त्म हो गई, और यहाँ पर एक स्टेप जुड़ गया। पावर क्वेरी में दिखा रहा है कि ट्रिम टेक्स्ट है, ये स्टेप ट्रिमिंग का है, और इतना सिंपल है ये। इसके बाद हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन एक दो काम और कर लेते हैं। जब ये डेटा है और इसमें देखिए कहीं कैपिटल है, कहीं स्मॉल है, तो इसको एक ही उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट्स डू इट। इसको हम जो प्रॉपर केस एक्सेल में कहा करते थे, उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करके है कि पहला वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा, और इसको हम क्लिक करेंगे, और ये देखिए हमारे सारा डेटा जो है ये कैपिटलाइज हो गया। अब हम इसको एक कॉलम में करना चाहें तो वो भी बिल्कुल आसानी से इसको हम एक कॉलम में कर सकते हैं। अभी देखिए मर्ज कॉलम्स यहाँ पर है, मर्ज कॉलम्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, मर्ज कॉलम्स पे क्लिक किया, तो ये सेपरेटर पूछ रहा है कि तीनों को जब मैं मर्ज करूँगा तो क्या कोई सेपरेटर नहीं रखना है मुझे। हमें बताना है नहीं, आप स्पेस दे दीजिए, मिस्टर रवि कुमार, तो सबको जोड़िए मत, उनको एक के बाद एक लिखिए, बट उसके अंदर स्पेस दे के जोड़िए। और हमने उसको ओके कर दिया, और ये देखिए ये सारा काम आपका एक एक क्लिक के साथ हो चुका है। ये क्वेरी आपकी सारी सेव्ड है। इस क्वेरी को अब मैं लोड कर सकता हूँ। अगर मैं होम टैब को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन आता है। इसमें क्लोज एंड लोड करेंगे तो ये वहीं जाके आपके डेटा के ऊपर बेस्ड कर देगा। क्लोज एंड लोड टू आपको पूछेगा कहाँ करना है। यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसको एक टेबल के रूप में एक्सेल में ले आऊँ और कहाँ पर लाऊँ इसको, एग्जिस्टिंग शीट में मैं इसको बोलता हूँ, और उसको ये वाला सेल बता देता हूँ, यहाँ पर आप लेकर आ जाइए उसको, एंड आई विल से ओके टू इट। और ये देखिए जो आउटपुट है आपका पावर क्वेरी का आउटपुट, वो ग्रीन में निकल के आता है हमेशा। इनपुट जब आप टेबल बनेगी बाय डिफॉल्ट वो ब्लू में बन जाएगी, और जब आप पावर क्वेरी का आउटपुट लेके आएंगे तो वो ग्रीन में बनेगा। ये आप एक बार याद रखिए, हरा रंग, नीला रंग। नीले रंग वो जो आपका डेटा, नॉर्मल डेटा था आपका, उसको उसने पहले कन्वर्ट कर लिया टेबल में जो ब्लू कलर की बनाई उसने, और अपना जो आउटपुट दिया पावर क्वेरी ने वो ग्रीन कलर का बनाया। इसमें देखिए सारे नाम हैं और ये मर्ज्ड करके है। इसको आप, इसका नाम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कॉलम का नाम मैं चेंज करना, मान लीजिए वहाँ भूल गया हूँ, मर्ज करके आ रहा है और मुझे वापस जाना है वहाँ पे, तो देखिए ट्रिम करके क्वेरी है। इसको मैं राइट क्लिक करके और वापस एडिट करने के लिए इस क्वेरी को जा सकता हूँ। ये मेरी क्वेरी है और इस क्वेरी को मैं वापस एडिट करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू एडिट द क्वेरी। यहाँ पर जैसे जो कोई नाम चेंज करना है मुझे, तो देखिए वो तो यहाँ पर आप जानते हैं विलास देशमुख लिखा हुआ है, और इसकी जगह अगर मैं
सुरेश कुमार लिख देता हूँ, इफ आई राइट सुरेश कुमार हियर, सुरेश और मैंने यहाँ लिख दिया कुमार, और देखिए इनके नाम के आगे भी स्पेस लगी हुई है, और स्पेस मान लीजिए ये आगे पीछे भी हो जाती है, कम ज़्यादा भी हो जाती है तो भी, और पीछे भी आपने कुछ स्पेस दे दी है इसके अंदर, और उसके बाद आपने ये एंट्री करी है, ये विलास देशमुख लिखा हुआ है। इसको आप राइट क्लिक करके अगर रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सुरेश कुमार हो गया, और वो प्रॉपर ट्रिमिंग व्रिमिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसकी, वो उसने वहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज़ कर ली, राइट। अब अगर मेरे को इस क्वेरी को एडिट करना है तो मैं इसको एडिट का ऑप्शन पे जाऊंगा, फिर से पावर क्वेरी खुल जाएगी, और यहाँ पर देखिए मैं इसका नाम देना भूल गया था, तो मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और मर्ज्ड की जगह मैं इसका नाम फुल नेम करके लिख लूँगा, और ये मैंने ऊपर हेडिंग का नाम लिख लिया। अब मेरे को क्लोज एंड लोड टू पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लोज एंड लोड ही क्लिक करूँगा तो भी ये जाके वहीं पर लोड हो जाएगा, और ये देखिए फुल नेम आ गया और एक क्वेरी अपलोडेड हो गई। तो यहाँ से आप जाके देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है नीचे, इसको क्लिक करेंगे तो वापस वो क्वेरी खुल जाती है। मान लीजिए ये बटन आपसे बंद हो गया और आप कहाँ से लाऊं उसको ये सोच रहे हो, तो इसमें भी देखिए आप डेटा पे जब जाएंगे तो क्वेरीज एंड कनेक्शंस के नाम से ये दिखता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी क्वेरीज बनी हुई हैं वो सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पर खुल जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रिम फंक्शन और ये को कैसे यूज़ करना है, पावर क्वेरी में कैसे डेटा को ले जाना है टेबल को, और फिर उसको वापस कैसे एक्सपोर्ट करना है, और फिर फर्दर हम देखिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर एक्सेल के अंदर कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेक्शन में और देखते हैं टेक्स्ट फंक्शंस के ही कुछ और फंक्शनैलिटीज़, कुछ और फंक्शंस टेक्स्ट कैटेगरी में ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।